हेलो गाइस, वेलकम टू द एनएस। तो आज ये नया चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको शुरू कर रहे हैं। बाय द वे, मेरा नाम रोहित है, ठीक है जी। और आज का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे बेसिकली। पहले साइन कन्वेंशन और क्वाड्रेंट, दोनों होता क्या है और कहाँ कहाँ इस पे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे इन्हें यूज करते हैं, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मेरा रूल है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहले पता होना चाहिए ना कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो बेसिकली ये स्पेस है, प्लेन है। प्लेन पे कोई भी, मान लो मैंने एक पॉइंट बनाया, तो इस पॉइंट को हम कैसे पहचानेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम ए है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ रियल नंबर से, पेयर ऑफ, या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। थोड़े से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सुनते जाओ, ये भी जरूरी होता है चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने से फायदा नहीं है। तो क्या अगर मान लो स्पेस में, प्लेन में मैंने कोई पॉइंट डाला, ये पॉइंट ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर से। मतलब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर से करेंगे। जैसे मान लो एक्स और वाई, अभी हम रियल नंबर हमें नहीं पता, तो एक्स और वाई, तो ये रियल नंबर हमें पता कैसे चलते हैं, ये रियल नंबर हमें पता चलते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ऐसे, ये एक एक्सिस है और ये दूसरी एक्सिस है। ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस है इसको हम बोलते हैं जनरली वाई, और ये जो हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई वाली है इसको हम जनरली बोलते हैं एक्स। ये दो एक्सिस होती है और इसके ऊपर हमारे नंबर चल रहे होते हैं। उन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम एक्स और वाई, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट जो मैंने ए बनाया ये यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं देख लूंगा ये x से यहाँ पर कितनी दूरी पे है और y से यहाँ पर कितनी दूरी पे है, तो वही लिख दूंगा मैं नंबर। x मान लो ये x से यहाँ पर पाँच पाँच दूरी पे है, ये 5 है, और ये y से यहाँ पर 2 है, तो मैं लिख दूंगा x 5 y 2। ऐसे लिखते हैं ना एक्स वाई, तो ये a का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई दो, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मतलब कोई भी पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? मतलब अगर हम कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट, तो उस मैथ्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम देख लेते हैं कि भाई साइन कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन साइन, ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो मान लो जैसे मैंने बताया एक्सिस होती है दो, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ठीक है। इस वाली को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और इस ये हॉरिजॉन्टल वाली को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है जी। वो जहां पर ये दोनों एक्सिस काट रही है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जहां पर ये कट रही है दोनों, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो होता क्या है, साइन कन्वेंशन ये कहता है आपका, साइन कन्वेंशन कन्वेंशन मतलब साइन को लेने का हमारा ट्रेडिशनल तरीका, साइन मतलब प्लस माइनस के जो साइन है। तो साइन कन्वेंशन हमारे ये कहता है कि जितनी भी ऊपर वाली वाई एक्सिस पे ये जितनी भी ऊपर वाले नंबर होंगे ये सारे हम पॉजिटिव लेंगे, और ये जो नीचे वाले नंबर होंगे वाई, अभी सिर्फ वाई एक्सिस की बात हो रही है, ये नीचे वाले नंबर होंगे ये सारे नेगेटिव लेंगे। तो वाई एक्सिस का आपको मिल गया साइन कन्वेंशन, यही है साइन कन्वेंशन। तो ये ऊपर वाले, और इसको अगर मैं यहाँ पर वाई, ये वाई है और ये नीचे तक वाई डैश मान लूँ, ये एक्स है और इसको एक्स डैश मान लूँ, ये जो ऊपर ऐसे खींचते हैं ना इसको डैश बोलते हैं, एक्स डैश वाई डैश मैथ्स में, ठीक है। तो ऊपर वाले साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूँ आपको, साइन कन्वेंशन मतलब साइन को लेने का तरीका, प्लस माइनस साइन कैसे लें उसका तरीके को साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस पे, अभी सिर्फ वाई एक्सिस पे फोकस करो कि जितने भी ऊपर वाले जो हम नंबर लिखेंगे ये सारे पॉजिटिव होंगे, और ये नीचे वाले नंबर जो लिखेंगे सारे नेगेटिव होंगे। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये जितने भी राइट हैंड साइड वाले, ये ना राइट हैंड साइड, ये सारे पॉजिटिव होंगे, राइट हैंड साइड वाले सारे पॉजिटिव होंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नेगेटिव होंगे। बस इतना ही है साइन कन्वेंशन। एक्सिस पे साइन कन्वेंशन मतलब जो वाई एक्सिस पे जो ऊपर वाले हैं वो सारे पॉजिटिव, नीचे वाले सारे नेगेटिव। एक्स एक्सिस पे जो लेफ्ट वाले हैं वो सारे नेगेटिव, राइट वाले सारे पॉजिटिव, इसी को हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। अब इसको हम जरा बना के दिखा देते हैं एक बार आपको। तो अगर अब मैं ये एक्सिस खींचूं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इसको अगर मैं नंबर से रिप्रेजेंट करूँ नंबर लाइन की तरह, तो ये जितने भी राइट हैंड साइड वाले हैं एक्स एक्सिस पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से लिखूंगा 0 से चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चल रहे हैं ना, 6 राइट हैंड साइड वाले एक्स पे, 7 मान लो 8 तक है बस ये वाली लाइन, ठीक है।
और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नेगेटिव, जीरो से चलेगा तो पीछे की तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन और ऐसे चलता चला जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे हमने क्या सीखा था, जो ऊपर वाले हैं वो सारे वाई एक्सिस पे जो ऊपर वाले हैं वो सारे पॉजिटिव, तो जीरो से चलेगा, ये जीरो बीच में है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और नीचे वाले सारे नेगेटिव, तो ये जीरो है, जीरो से चलेंगे उल्टी तरफ तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। ठीक है, तो ये है आपका साइन कन्वेंशन। क्या है आपका ये साइन कन्वेंशन। और कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट हमारा लिखने का फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, उसकी पोजीशन बेसिकली। तो हम कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं एक्स और वाई, ऐसे पेयर में लिखते हैं एक्स और वाई। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो आपके सामने ये एक पॉइंट यहां डालो, यहां ये पॉइंट डालो और मैं पूछूं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप चेक कर लोगे कि यार ये पॉइंट यहां से यानी कि वाई खड़ी हुई वाली डायरेक्शन वर्टिकल वाली डायरेक्शन वाई होती है, तो वाई कितना है थ्री है, ये देख लो ना वाई थ्री है, तो वाई आ गया यहाँ पर थ्री। और एक्स कितना है यहाँ से यहाँ तक वाली कितनी है डिस्टेंस, ये भी थ्री है, तो थ्री, तो एक्स और वाई थ्री थ्री। एक और देखते हैं एग्जांपल, अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ आपके सामने, कौन सा ये, ठीक है, और इसके मैं कोऑर्डिनेट ढूंढूं, आपसे बोलूँ कि कोऑर्डिनेट ढूंढो, तो देखो पहले वाई वाली पहले एक्स वाली पोजिशन ले लो, एक्स यानी कि ये वाली, तो ये वाली यहां से यहां आ रहा है, तो यानी यहां तक, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ यहां तक आ रहा है, तो एक्स आ गई माइनस टू, माइनस टू है ना ये, और वाई यानी ये खड़ी हुई वाली पोजिशन, खड़ी वाली पोजिशन कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, तो ये खड़ी हुई वाली यानी ये रहा ना खड़ा हुआ फाइव, तो फाइव, तो इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस टू और फाइव। तो ऐसे कोऑर्डिनेट लेने भी सिखा दिए मैंने आपको। बाकी साइन कन्वेंशन आया हो तो आप समझ गए होंगे, वाई एक्सिस पे ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव और वाई वाले राइट वाले सारे पॉजिटिव, ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको बताने वाला था क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट वो देख लो क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट जैसे मान लो मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, ये वाई वाली खड़ी हुई वाली, ये एक्स, ये वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वाड्रेंट से मत कंफ्यूज करना, क्वाड्रेंट मतलब होता है टू और क्वाड्रेंट मतलब होता है एक चौथाई, चौथा, चार। क्वाड्रेंट मतलब चार, क्वाड्रेट मतलब टू। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला होता है वो इस वर्ड से बना होता है, इसलिए हम उसकी डिग्री टू होती है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर क्वाड्रेंट एन आ गया ना बीच में, क्वाड्रेंट, ठीक है, तो क्वाड्रेंट मतलब फोर। तो बेसिकली जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाते हैं एक्स और वाई, तो चार भाग में डिवाइड हो जाता है प्लेन, प्लेन मतलब ये स्पेस, पूरी स्पेस चार भाग में डिवाइड हो जाती है, चार जगहों में डिवाइड हो जाती है, उन्हीं चार जगहों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और वो चार जगह कौन कौन सी है, देखो ये पहली ऐसी चलती है, सीक्वेंस भी है, ये पहली, ये दूसरी, ये बन गया ये पहली स्पेस, ये दूसरी स्पेस, फिर नीचे हो गई तीसरी, उसके बाद आप चौथी, देखना इसी डायरेक्शन में चलती है, ऐसे कहीं भी इधर उधर मत लिखना ना, पहला इधर दूसरा इधर, ऐसे नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही होगा, ये फर्स्ट है ऐसे चल रहा है, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे चलता है, काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अच्छा ये क्वाड्रेंट के ना, अगर मैं आपको कुछ भी बोल दूं, मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप उनके साइन बता सकते हो डायरेक्टली। कैसे बता सकते हो साइन, मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना एक्स और वाई, एक पहले एक्स वाला लिखते हैं पॉइंट, फिर वाई वाला पॉइंट लिखते हैं, हम किसी भी चीज पॉइंट का कोऑर्डिनेट या पोजीशनिंग कैसे लिखते हैं, एक्स वाई। तो अगर मैं बोल दूं कि आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो दोनों पॉजिटिव होंगे, ये आप याद भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, ये याद कर लो, नहीं तो आप समझ भी सकते हो। देखो एक्स नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्स नेगेटिव होगा और ऊपर ये वाला सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट बोलूं, तो आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, आप चेक भी कर सकते हो, देखो ये वाला पॉइंट भी नेगेटिव है और ये नीचे वाला भी नेगेटिव है। और अगर मैं बोलूं फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है, तो क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट होगा, तो एक्स होगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, और वाई होगा नेगेटिव, क्योंकि नीचे है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो आप चाहो तो इसको ऐसे देख भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट याद भी कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट यही है, और क्वाड्रेंट की अंदर जो पॉइंट होंगे उनके साइन क्या होंगे वो भी आपको याद भी कर सकते हो, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी इन दोनों लाइनों से बना है, ये वाली, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली, तो इसमें दोनों पॉजिटिव है। ये वाई के ऊपर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, एक्स के राइट वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हो सबके, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो कि भाई फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये था पूरा खेल आपका साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे बेस, इसी टॉपिक पे बेस आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करोगे सॉल्व। मैंने सब कुछ समझा दिया, अब आप होमवर्क देखो अपना और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने सॉल्व कर दिया। होमवर्क क्या है आपका, ये आपको बताना है इन विच क्वाड्रेंट, इन विच, वो जो क्वाड्रेंट बनाया ना मैंने चार, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट लाई, गिवन पॉइंट लाए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 4-2, दूसरा क्वेश्चन है आपका -3-7, तीसरा क्वेश्चन है आपका -1-2 और चौथा क्वेश्चन है आपका 3-6। आपको बताना है ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट ही है ना कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट ही है, पॉइंट की पोजीशनिंग है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है ये आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला मैं बताता हूँ, इसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो देख लो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये वाला, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये देख लो हमने देख लिया, तो ये इसका फर्स्ट का आंसर तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे आप सेकंड थर्ड फोर्थ आप खुद बताओ, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये क्वाड्रेंट आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो ना, क्वाड्रेंट के साइन और कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना ही आपका, ज़्यादा नहीं है, पर आगे क्लासेस में जाओगे तो और होगा, और इस पर आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कुछ समझ नहीं आया तो नीचे पूछ लो बिंदास, बिना खतरा है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ वाली चीज़ भी पूछो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।